ये वीडियो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का है, जहां बिसरक थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने पति की जमकर धुनाई की। पति पत्नी को मायके छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ फ्लैट में रह रहा था। इसी दौरान पत्नी ने अपने परिवार वालों और पुलिस के साथ मौके पर धावा बोल दिया और पति को रंगे हाथ पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। और तो और घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल इस घटना पर फरीदाबाद के रहने वाले देशराज सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी जारजा थाना क्षेत्र के नगला उदाराम निवासी पुनीत नागर के साथ 28 नवंबर 2021 को करवाई थी। शादी में 30 लाख रुपए की गाड़ी, 1 किलो गोल्ड के साथ साथ बाकी सामान भी दहेज में दिया था। बेटी की शादी हो जाने के बाद पुनीत के घर वालों ने कहा कि फिलहाल हम लोग बुलंदशहर के यमुनापुरम में रह रहे हैं, लेकिन बाद में ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही लगातार पुनीत मेरी बेटी को परेशान करने लगा और उसके साथ बदतमीजी भी करने लगा। हमने कई बार उसको समझाया भी और मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मेरी पुत्री की 28/11/2021 को हुई थी, उसके सेकंड डे से ही चरण सिंह, उसका बेटा पुनीत, बड़ा बेटा पवन जो भी दिल्ली यूपी पुलिस में है, चरण सिंह खुद भी यूपी पुलिस में है, और उनकी घरवाली सरोज देवी पहले दिन से टॉर्चर शुरू कर दिया करना, और फिर से अप्रैल में लड़का उसका पूरी स्वागत छोड़ के बेटी को फरीदाबाद, और आज 6 महीने तक किसी ने कोई कॉल नहीं किया। जब हम उसमें तहकीकात में गए, उनके घर वालों को फोन किया तो किसी से कोई रेस्पॉन्स नहीं आने के कारण हम फिर लड़के के पीछे तहकीकात में लग गए, तो वो लड़का अवैध संबंधों में हमें संलिप्त पाया गया। और आखिर में 8 तारीख की 2:30 बजे सुबह हमें सुपरटेक के इको विलेज 2 फ्लैट नंबर 1103 में अश्लील हालत में एक लड़की के साथ यौनाचार अश्लील हरकत करते हुए इंटरकोर्स करते हुए पकड़ा गया। हमने थाना बिसरक में सूचित करके पुलिस को वहीं बुलाया और थाना बिसरक को सौंप दिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये लड़की जो मिली है उसके बयान लिए जाए और उस पर जो बलात्कार का केस चलाया जाए, हमें न्याय दिया जाए। आपको बता दें कि इस मामले में लड़की वालों ने पुलिस से शिकायत की है। इस मामले में जानकारी देते हुए बिसरक थाना प्रभारी अनिल राजपूत ने बताया कि पत्नी की तरफ से पति के खिलाफ शिकायत दी गई है और कहा गया है कि शादीशुदा होते हुए भी वो दूसरी लड़की के साथ में मौजूद था, उसे धोखा दे रहा था। पुलिस ने इस मामले में शिकायत प्राप्त कर ली है और इस मामले में जांच कर कार्रवाई करेगी। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी का।